हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज हम बना रहे हैं बैंगन की पकौड़ी। बैंगन को हमने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। छोटे वाले बैंगन था, इसको पानी में डुबो के रखा वरना ये काला पड़ जाता है। इस पे हमने इमली का पिसा हुआ पेस्ट होता है ना, मिक्सी में चला लिया था इमली का, वो मैंने सब तरफ लगा दिया। और इस पे चाहे तो आप थोड़ा सा नमक और मिर्च भी छिड़क दें तो इससे क्या होगा कि बैंगन का फीकापन कम लगेगा। आपको नमक मिर्च ज़रा ज़रा सा चुटकी लेकर सारे पीसेस पे छिड़क दीजिएगा। मैंने नहीं छिड़की, लेकिन आप छिड़केंगे तो अगर टैंगी सा टेस्ट चाहते हैं तो छिड़क लें आप। बहुत मज़े के ये फिर बैंगन के पकौड़े बनते हैं। अब हमने इस बैंगन को चावल के आटे से कोट किया है। चावल का आटा सिंपल चावल का आटा है, कुछ भी नहीं डाला है इसमें, मिर्च कुछ नहीं। इन सब पीसेस को कोट करके रख लेंगे और फिर बेसन के घोल में डिप करके फ्राई करेंगे। तो क्या होगा, इससे बेसन का घोल जो है वो इस पे लगा रहेगा, बिल्कुल से उतर नहीं जाएगा। बेसन का घोल बनाने के लिए हमने 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है और 1 चम्मच हमने चावल का आटा लिया है। चावल के आटे से जो बैटर है वो क्रिस्पी सा बनेगा, उस पर आउटर कवरिंग क्रिस्पी की रेसिपी रहेगी, इसलिए हमने चावल का आटा डाला है इसमें। ये देखिए चावल का आटा हमने डाल दिया और इसमें अब हमने कुटी लाल मिर्च, चाहे खाने का सोडा, ये तो 4 चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी बल्कि 4 चुटकी ज़्यादा ही हो गया, और थोड़ी सी हमने ज़ीरा डाला है, अजवाइन भी डाल सकते हैं आप। 1/4 चम्मच नमक डाला है, 1/4 चम्मच पीसी लार्ज मिली लाल मिर्च डाली, चाहे तो आप कुटी लाल मिर्च डाल दें, और 4 चुटकी हल्दी पाउडर डाला है, इससे कलर पकौड़ों का सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोलते जाएंगे ताकि इसमें ग्लम्स ना पड़े, स्मूथ सा बैटर बने। एक बार में सारा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको विस्क करते रहें और आपका स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। तब तक इसको आपको फेंटना है अच्छी तरह से। जितनी अच्छी तरह से इसे फेंटेंगे ना तो बैटर उतना हल्का हो जाएगा। बैटर हल्का होना चाहिए और बहुत मोटा गाढ़ा घोल मत बनाइएगा, वरना बेसन की ही कोटिंग बैंगन पे लगती रहेगी। हमें बेसन का भी मज़ा चाहिए और बैंगन का भी, तो इसलिए बेसन की जो घोल है उसको हम थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में रखेंगे। इसमें हमने बेसन के घोल को डिप करा बैंगन को और इसे झटक दिया, घोल को थोड़ा सा झटक फिर डाला। ये हमारे बैंगन के पकौड़े इस तरह से बनाने पर बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने क्या करा, फिर बेसन के घोल में थोड़ी सी हरा धनिया की पत्ती भी डाल दी थी कटी हुई, तभी आपको बेसन के घोल में हरे धनिया की पत्ती दिख रही है। इनको हमको मीडियम हीट पर सेकना है, एक तरफ से सिक जाने पर पलट के दूसरी तरफ से सेकेंगे, सुनहरा क्रिस्पी होने तक सेकना है। बेसन के पकौड़े बहुत मज़ेदार, देखिए फूले फूले भी बन रहे हैं। जो बेसन को हमने फेंटा था ना, जितना अच्छा फेंटेंगे उतना फूलेगा पकौड़ा। इनको निकाल लेंगे और इनको आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें, मीठी चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं।